नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको फिर से अपने चैनल वर्ड्स बास्केट में। आज आप देख रहे होंगे एक कोलोकेशिया लीव है, इसको काट के हम लेके जाएंगे और एक स्वादिष्ट खाना जो बनता है कोंकणी में उसको पत्रोड़े बोलते हैं करके आपको दिखाएंगे। जी, हमने ये कोलोकेशिया लीव को काट के कलेक्ट करके रखा है सेपरेटली। ये पत्रोड़े डिश है जो हम बनाने वाले हैं। इसको यूजुअली हम टमरिंड का यूज़ करते हैं इस डिश को प्रिपेयर करने के लिए। आज जो बनेगा ये वाला डिश, इसमें बिम्बुल, ये एक फ्रूट का नाम है कोंकणी में, अंग्रेजी में इसको बिलिम्बी बोलते हैं, उसको झाड़ से तोड़ के हम लेके आएंगे। चलिए, ये जो झाड़ है ये बिलिम्बी फ्रूट का झाड़ है। ये है, एक बार देख लो आप, दिखा दो। जी दोस्तों, हमने बिलिम्बी फ्रूट को तो तोड़ लिया है। ये दूसरे फ्रूट जो है आपने देखा होगा उसके जैसे तो बिल्कुल भी नहीं है, इसका स्वाद खट्टा है। चलिए अभी प्रिपरेशन की तरफ चलते हैं। दिखने में काफ़ी खूबसूरत, बहुत ही टेम्पटिंग सा लग रहा है पत्ता। ये अगला भाग है इस पत्ते का और ये पिछला। यहाँ पे ये जो देख रहे हैं आप, ये इसका स्टेम्स हैं। जितने भी मोटे मोटे स्टेम्स होते हैं उसको काटना ही पड़ेगा, या तो फिर इसको खाते टाइम पे काफ़ी खुजली होता है गले में। तो अभी इसको काट के आपको दिखाएंगे। बस उतना ही दोस्तों, एक पत्ता तो रेडी हो चुका है। इस प्रोसेस को रिपीट करेंगे हम बचे हुए पत्तों के लिए। पानी चाहिए होगा, पानी लेके आएंगे। इस पानी से पत्तों को अच्छी तरीके से धो लेते हैं। राइस को छोड़ के बाकी सारे इंग्रेडिएंट्स साथ में मिलाकर एक बार ग्राइंड कर लेंगे। भिगो के रखा हुआ राइस को भी मिलाकर एक बार फिर से ग्राइंड कर लेंगे। मसाला बनके तैयार हो चुका है दोस्तों। यहाँ पे एक चीज़ काफ़ी इम्पोर्टेंट है, हमें याद रखना है, इसका जो टेक्सचर है बिल्कुल रवा के जैसे होना चाहिए, ये चीज़ याद रखिएगा। हमारे पास धो के रखा हुआ पत्ता भी रेडी है और मसाला बनके भी रेडी हो चुका है। अभी पत्रोड़े बनाने के लिए मसाले को लीव पे अप्लाई करना होगा।
देखा आपने कैसे मसाले को लिव पे अप्लाई करना होता है। अभी बारी है इसको साइड से फोल्ड करके रोल करने की। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है कि नहीं? अभी इस खूबसूरत से दिखने वाले रोल को स्टीमर पे चढ़ाने से पहले इसको काटना होगा। के अंदर बनाना लीफ को ऐसा रख लेंगे हम। ऐसा रखने से एक फ़ायदा है, बनाना लीव का जो फ्लेवर है, उसका स्मेल जो है, वो इसमें जो भी हम चीज़ स्टीम करेंगे उसमें समा जाएगा। आधे घंटे तक हमने इसको स्टीम कर लिया है। अभी लग रहा है ये तैयार हो चुका है। बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है, बहुत ही शानदार दिख रहा है। स्टीम निकल रहा है, खुशबू भी काफ़ी ज़बरदस्त आ रहा है इससे। अभी निकाल के आपको दिखाते हैं। पत्रोडे स्टीम होके रेडी हो चुका है। दिखने में तो बहुत ही स्वादिष्ट लग रहा है, पर चख के देखते हैं। उससे पहले एक थोड़ा सा कोकोनट ऑयल इसको लगाएंगे तो इसका स्वाद डबल हो जाता है। अभी चखने का बारी है, इंतज़ार नहीं हो रहा है। बहुत ही स्वादिष्ट। करिए आप घर में ट्राई करिए और चख के आपका जो एक्सपीरियंस रहा होगा वो हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। आज के लिए ख़त्म करते हैं अपना वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। बाय बाय।